टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा एंड देन क्लासिफिकेशन। ओके, तो पहले अभी हम जो पोरीफेरा है, फाइलम जो पोरीफेरा है आपके लोअर इनवर्टिब्रेट में, उसको आज हम पढ़ेंगे। पोरीफेरा मीन्स पोरी मीन्स पोर्स। पोरीफेरा मीन्स हो गया कि पोर्स बियरिंग एनिमल्स बिलोंग टू दिस फाइलम। मतलब इस फाइलम में जितने भी पोर्स वाले एनिमल्स होते हैं वो इस बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा नाम ही इसी से दिया हुआ है कि पोर्स बियरिंग एनिमल्स। ओके, ये जो फाइलम है उसमें जो है क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, न्यूमरस छेद होता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया। यानी कि बेसिकली किस में होता है, ये स्पंजस में होता है, स्पंज में। तो ये आपके पोरीफेरा में आते हैं। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, दिस इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। हियर इज अ फर्स्ट जो है आपको जानते हैं, किंगडम एनिमेलिया है। हैबिटेट क्या होता है इनका, कहाँ रहते हैं ये? ये बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके जो है, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं और फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। जनरली क्या होते हैं ये, मेराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं टोटली। हैबिट क्या होता है, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। मतलब ये मूवमेंट नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं वाटर में और कॉलोनी में रहते हैं। जनरली क्या होता है, ये कॉलोनी में रहते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब जो सेल्स होती हैं वो मिलके काम करती हैं, जो भी फंक्शन होता है सारे फंक्शन को कौन करता है, सेल्स करती हैं। हमारे अंदर कौन काम करता है, सारे सिस्टम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो है स्टमक है, इंटेस्टाइन है, माउथ है, ये सब जो है मिल करके क्या बनाते हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे ऐसा न ऑर्गन होता है, न टिश्यूज होते हैं, केवल सेल होता है, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो मिलके फंक्शन करती हैं। ओके, शेप, बॉडी का शेप जो है वेरिएबल होता है। ज़्यादातर ये जो है सिलेंडिकल शेप में होते हैं, एलोंगेटेड शेप में होते हैं। ओके, सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल। जर्म लेयर दो होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। बॉडी लेयर्स आर फॉर्म बाय द टू लेयर्स, दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक। ओके, द आउटर डर्मल लेयर एंड इनर गैस्ट्रो लेयर। आउटर डर्मल लेयर होती है जो कि जो है इसको बोलते हैं पिनाकोडर्म, और इनर क्या होती है, गैस्ट्रो लेयर होती है। इन दोनों के बीच में एक जो लेयर होती है, जिलेटिनस लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। हालांकि होती क्या है, दो ही लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, बॉडी मेड अप ऑफ टू लेयर्स, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक का तो बॉडी मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। ओके, सीलोम क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है। ओके, ए सिलोमेट होते हैं, सिलोम एब्सेंट, बट स्पंजोसील जो होता है, एक बॉडी कैविटी होती है स्पंजोसील, वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें सीलोम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस ऑफ द बॉडी हैज़ न्यूमरस परफोरेशन कॉल्ड द ओस्टिया। मैंने बताया था ना, न्यूमरस पोर्स होते हैं फॉर एंट्री ऑफ वाटर, एंड लार्ज पोर एट द एपेक्स कॉल्ड द ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। आप जानते हैं स्पंजेस में न्यूमरस पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ओस्टिया, और सिंगल ओपनिंग होती है वाटर को बाहर निकालने के लिए, ऑस्कुलम। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर बियरिंग ये फाइलम होता है, इसमें कि पोर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिसमें कि पोर्स होते हैं बॉडी पर। फिर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। आप जानते हैं कि स्पंजेस में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, आपने नाम सुना होगा, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। नेक्स्ट, इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन का मतलब बॉडी के अंदर स्केलेटन जो बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, इनमें कैल्केजियस स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब स्पिक्यूल होते हैं जो कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या फिर सिलिका के बने होते हैं, और अगर ये दोनों नहीं है तो स्पंजिन फाइबर होते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। तो मेनली जो स्केलेटन का जो इनकी बॉडी में काम करते हैं, इनकी बॉडी में पोर्स होती है, इनमें ये आपके स्पॉन्जी होते हैं, तो इसलिए इनमें जो है इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए और एक शेप देने के लिए इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, और वो हमारे बोन की तरह से इनकी बॉडी में काम करते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या फिर सिलिका के बने होते हैं या फिर स्पंजिन फाइबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक मतलब
हम लोग कैसे करते हैं न्यूट्रिशन? वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट और एनिमल फॉर द न्यूट्रिशन. हम लोग एनिमल पे या प्लांट पे डिपेंड होते हैं ना न्यूट्रिशन के लिए. खुद तो खाना नहीं बनाते अपना, हम लोग या तो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, जो हम खाते हैं ना सीरियल्स खाते हैं, गेहूँ चावल वेजिटेबल्स सब क्या प्लांट पर डिपेंडेंट है, या फिर मीट मांस जो हम लोग खाते हैं वो एनिमल पर डिपेंडेंट है. तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक. ओके, डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर. नर्वस सिस्टम कैसा होता है? एबसेंट होता है इनके अंदर. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एबसेंट होता है, केवल वाटर कैनाल सिस्टम होता है. रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल होता है. एसेक्सुअल में बडिंग के थ्रू होता है, जो मोस्ट कॉमन है स्पंजेस में. दूसरा आपका जेम्यूल है, जेम्यूल को बोलते हैं इंटरनल बडिंग होता है ये. और रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर स्पंजेस में बहुत ज़्यादा होती है. ओके, सेक्सुअल, सेक्सुअल में गैमेटिक फ्यूजन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, स्पर्म में ओवा जो है फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है. और फिर जो है डेवलपमेंट क्या होता है? जनरली इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है. ओके, एम्फीब्लास्ट वाला लार्वा इसमें होता है. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल. ओके, तो ये है जनरल क्लासिफिकेशन है. इसके बाद फिर नेक्स्ट आप आइए, ये स्पंजस का जो है पूरी फेरा का ये आपका एक ब्रॉड स्केल पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि आप ये देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसमें आपको ऑर्डर नहीं दिया, आपको इसको बस एक देखिए, इसमें ऑर्डर नहीं, आपको ऑर्डर के साथ पढ़ना है. ओके, अब यहाँ पे आप इसको देखिए, ये आपका यहाँ पे ये है ना, ये आपको मेनली जो है क्लासिफिकेशन है फाइलम पोरीफेरा का. इसमें जो है फाइलम पोरीफेरा में बेसिकली जो है तीन क्लासेस हैं. फाइलम पोरीफेरा में तीन क्लासेस हैं. पहला क्लास है कैल्केरिया, दूसरा जो है क्लास है आपका हेक्साटेनिलिडा, और तीसरा क्लास है डेस्मोस्पंजिए. ओके, तो जो पहला क्लास है कैल्केरिया, उस जो है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, पहले हम देखते हैं फाइलम पोरीफेरा में थ्री क्लासेस हैं. पहला है कैल्केरिया, दूसरा है हेक्साटेनिलिडा, और तीसरा है डेस्मो जो है, या सॉरी डेमो स्पंजी. ओके, अब हम एक साइड को लेके चलते हैं. पहले पहले क्लास कैल्केरिया, क्लास कैल्केरिया जो है क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, इसकी मतलब कि क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है? क्लास कैल्केरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो स्पिक्यूल है, जो मैंने बताया, जो स्केलेटन का काम करता है स्पंजेस में, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्केरिया हम इसीलिए बोलते हैं इस क्लास को, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, जो स्पिक्यूल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3. ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैल्केरिया. इसमें जितने भी स्पंजेज होंगे, सब में जो स्पिक्यूल होगा वो किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का. और इस क्लास के सारे एनिमल्स क्या होंगे? मेराइन होंगे. ऑल एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. इसमें दो ऑर्डर्स आते हैं, पहला ऑर्डर है होमोसिला और दूसरा ऑर्डर है हेट्रोसिला. ठीक है, दूसरा ऑर्डर है हेट्रोसिला, होमोसिला. अब होमोसिला ऑर्डर में यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, होमोसिला में क्या एग्जांपल, एग्जांपल ज़रूर मेंशन करना है आपको. आपने पढ़ा होगा 12th में ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया पढ़ा होगा ना आपने. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो आपका है ऑर्डर, पहले ऑर्डर में आपका जो है एग्जाम्पल आपका है ल्यूकोसोलिनिया. इसको आप मेंशन करेंगे, एक सेकेंड, ऑर्डर वन में आप एग्जाम्पल लिखेंगे ल्यूकोसोलिनिया. सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया आपने पढ़ा होगा 12th में. होमोसिला का सिंगल एग्जाम्पल क्या है? ल्यूकोसोलिनिया, जिसमें कि ये लिखा ना एस्कोनोसा. एस्कोनोसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्कॉन टाइप होता है. सबसे सिंपल जो कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकोसोलिनिया में होता है, और वो कैसा होता है? एस्कॉन टाइप होता है. दूसरा जो है ऑर्डर है आपका हेट्रोसिला. हेट्रोसिला में आपने देखिए लिखा है यहाँ पे साइकोनोसा. साइकोनोसा में मतलब कि साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम होगा इसमें जो भी एनिमल होंगे. तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल आपका है वो साइकॉन, जो आपको पढ़ना है. आपको क्या पढ़ना है? साइकॉन पढ़ना है ना अभी थ्योरी में. नेक्स्ट क्लास में हम साइकॉन पढ़ाएंगे, साइकॉन. ओके, तो हेट्रोसिला में आपका एग्जाम्पल है साइकॉन.
ठीक है, तो ये आप एग्जांपल इंक्लूड करेंगे। आप जब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे उसमें भी आप यही चार्ट बनाएंगे फाइल में पूरी फिरा का, और इसमें ऑर्डर के बाद सिंगल सिंगल एग्जांपल लिखेंगे, और हर ऑर्डर में एग्जांपल ज़रूर होगा, ध्यान दीजिएगा। इस स्लाइड में नहीं पर हम मेंशन कर रहे हैं इस चीज़ को, एग्जांपल लिखेंगे सिंगल और कॉमन एग्जांपल लिखेंगे, और उसको क्या करेंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे। मैंने बताया था ना एग्जांपल आपका जीनस होता है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है होमोसिला में लीकोसोलिनिया एग्जाम्पल है, और हेट्रोसिला में क्या है साइकॉन है। तो क्लास कैल्केरिया में दो ऑर्डर है, होमोसिला और हेट्रोसिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्डर देखिए, नेक्स्ट क्लास देखिए, क्लास हेक्साटेनिलिडा। हेक्साटेनिलिडा में आपका जो है यहाँ पे भी दो ऑर्डर है। हेक्साटेनिलिडा के क्या जो है क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे जो स्पिक्यूल होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना होता है, किसका बना होता है सिलिका का। मैंने आपको बताया ना अभी सिलिका का बना होता है कैल्शियम, मैंने बताया था अभी पीछे कि स्पिक्यूल आपके तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दूसरा आपका सिलिका का बना होता है, या फिर स्पिक्यूल की जगह क्या होते हैं स्पंजिन फाइबर्स होते हैं। तो हेक्साटेनिलिडा में क्या होता है कि जो स्पिक्यूल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, और इसमें आपके और इसमें भी क्या होता है सारे क्या होते हैं एस ऑल द एनिमल्स आर मेनली मेराइन, मेराइन मतलब सी वाटर में रहने वाले। और जब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की तो हम तब क्या होता है एनिमल कहाँ रहते हैं, रिवर में, पॉन्ड में या लेक में रहते हैं। फ्रेश वाटर बोलते हैं उसको जहाँ पर जो रनिंग वाटर होता है, और सी वाटर क्या होता है मराइन होता है। ओके, तो क्लास हेक्साडेनिडा में दो ऑर्डर यहाँ भी हैं, सिर्फ दो ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है आपका जो है हेक्सा स्टेरोफोरा, पहला ऑर्डर है हेक्सा स्टेरोफोरा, और दूसरा ऑर्डर है एम्फी डिस्कोफोरा। तो हेक्सा स्टेरोफोरा में एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, यू प्लैक्टिला। यू प्लैक्टिला जानते हैं, यू प्लैक्टिला सबसे कॉमन एग्जांपल है स्पंजेस में, यू प्लैक्टिला। यू प्लैक्टिला आपका जो है ये आपका वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट। आपको याद आ गया होगा यू प्लैक्टिला आपका क्या है कॉमनली नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट। हेक्सा स्टेरोफोरा में एग्जाम्पल लिखेंगे यू प्लैक्टिला। नाउ इन द सेकेंड ऑर्डर एम्फी डिस्कोफोरा में आप एग्जाम्पल लिखेंगे हाइलोनीमा, ये सब आपके स्पेसमिन में है। ठीक है, हाइलोनीमा। हेलो नीमा, हेलो नीमा। ओके, तो एग्जांपल आप ध्यान से मेंशन करेंगे, एम्फीडिस्कोफोरा में जो एग्जांपल है आपका वो होगा जो है सेकंड ऑर्डर में हेलो नीमा, अंडरलाइन करेंगे लिखने के बाद, और हेक्सा स्टेरोफोरा में एग्जांपल होगा यू प्लैक्टिला। ये आपका दूसरा क्लास भी हो गया। नाउ द क्लास थ्री इज़ अ डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया क्लास में क्या होगा, या तो जो है सिलीसियस स्पिक्यूल्स होंगे मतलब सिल्का के बने हुए स्पिक्यूल्स होंगे, या फिर इसमें क्या होगा स्पंजिन फाइबर्स होंगे। ये क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें कि या तो स्पिक्यूल सिल्का के बने होंगे, या फिर क्या होगा मोस्टली क्या होगा उसमें स्पंजिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, इसमें आपके मेराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर स्पंज भी होंगे, दोनों होंगे। ओके, तो इसमें आपके थ्री सब क्लासेस हैं। देखिए इसमें क्या है, थ्री सब क्लासेस हैं, सब क्लास किरेटोसा। ओके, यहाँ से देखते हैं, सब क्लास जो है टेट्रा टेट्राटिनलेडा, दूसरा सब क्लास है मोनेक्सोरिनिडा, तीसरा सब क्लास है किरेटोसा। ओके, तो डेस्मोस्पंजिया में आपके जो है तीन क्लासेस हैं बेसिकली। यहाँ पे इसको आप जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं हम लोग इसको, ताकि ये पूरा क्लियर आ जाए। तो क्लास जो आपका तीसरा क्लास है फाइलम फोरिफेरा का, डेमोस्पंजिए में तीन सब क्लास है। ऊपर देखिए, इस डेमोस्पंजिए में जो है तीन आपके जो है सब क्लास हैं। पहला क्या है आपका जो है सब क्लास टेट्राटिनलिडा, दूसरा सब क्लास है मोनेक्सोरिनिडा, एंड तीसरा सब क्लास है किरेटोसा। ओके, अब इसमें आपका पहला जो सब क्लास है टेट्राटिनलिडा में तीन ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है मिक्सोस्पंजिडा, दूसरा ऑर्डर है कॉर्नोसा, तीसरा ऑर्डर है कॉरिस्टेडा। ठीक है, सब में एग्जांपल आप सिंगल सिंगल लिखेंगे।
पहला आपका है मिक्सोस्पोंजिरा। मिक्सोस्पोंजिरा में एग्जाम्पल लिखेंगे ऑस्कैरेला। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? ऑस्कैरेला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए और नोट कर लेंगे, बुक में भी आपको मिल जाएगा ये ऑस्कैरेला। ओके, पहला एग्जाम्पल है आपके पहले ऑर्डर में। दूसरा ऑर्डर है कॉर्नोसा। कॉर्नोसा में एग्जाम्पल लिखेंगे प्लैंकिना। क्या एग्जाम्पल है? प्लैंकिना, प्लैंकिना। ओके, तीसरा ऑर्डर है कॉरिस्टिडा। कॉरिस्टिडा में आप एग्जाम्पल लिखेंगे जियोडिया। ये स्पंज के नाम में थोड़े ये अनकॉमन है, पर इसको आप लिखेंगे जियोडिया। ओके, दिस वन जियोडिया। तीनों एग्जाम्पल को अपन अंडरलाइन करेंगे। पहले ऑर्डर में जो आपका है मिक्सोस्पोंजिटा में एग्जाम्पल है ऑस्कैरेला, दूसरा ऑर्डर कॉर्नोसा में एग्जाम्पल है प्लैंकिना, और तीसरा ऑर्डर है कॉरिस्टेडा में एग्जाम्पल है जियोडेना। ओके, इसके बाद सब क्लास मोनेक्सिडा। मोनेक्सिडा इसमें आपका जो है चार ऑर्डर्स हैं, हेड्रोमेरिना, हेलिकॉन्ड्रिना, पॉइसिलोस्कैलरिना और लास्ट है हैप्लोस्कैलरिना। अब पहला जो ऑर्डर है हेड्रोमेरिना, हेड्रोमेरिना में एग्जाम्पल लिखेंगे क्लियोना। क्लियोना, क्लियोना, ठीक है। क्लियोना जो है आपका स्पंज। हेट्रोमेरिना आपके इस जो मैंने दिखाया होगा स्पेसिमेन आपको, उसमें क्लियोना होगा, क्लियोना था, आप ध्यान देंगे इसको। जो है हेट्रोमेरिनो ऑर्डर में क्या एग्जाम्पल आएगा आपका? क्लियोना। दूसरा ऑर्डर है आपका हेलिकॉन्ड्रिना। हेलिकॉन्ड्रिना में जो है एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल क्या है? हेलिकॉन्ड्रिया। दूसरा जो आपका ऑर्डर है इसमें आपका एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया लिख लिया आप यहाँ पे। हेलिकॉन्ड्रिया, आई ए, हेलिकॉन्ड्रिया, हेलिकॉन्ड्रिया, DRIA, हेलिकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल है। तीसरे ऑर्डर में आपका जो है एग्जाम्पल है पॉइसिलोस्कैलरिना। पॉइसिलोस्कैलरिना में एग्जाम्पल आप लिखेंगे जो है माइक्रोसियोना। माइक्रोसियोना, माइक्रो, सीओना। ओके, माइक्रोसियोना। एंड लास्ट आपका जो है जो ऑर्डर है हेप्लोस्कैलरिना। हेप्लोस्कैलरिना में आप ऑर्डर लिखेंगे केलाइना। केलाइना और स्पंजिला। स्पंजिला आपका फ्रेश वाटर स्पंज है। लास्ट जो ऑर्डर है आपका हेप्लोस्कैलरिना, इसमें आपके दो कॉमन एग्जांपल आप लिखेंगे। एक आप लिखेंगे केलाइना। केलाइना आप देखा होगा आपने, आप उसमें प्रैक्टिकल में मैंने जो क्लास लिया होगा प्रैक्टिकल क्लास, उसमें आपका ये स्पेसिमेन होगा केलाइना का। ओके, दूसरा जो है आपका एग्जाम्पल है इस ऑर्डर में, चौथे ऑर्डर में आपका है स्पंजिला। स्पंजिला जो है आपका फ्रेश वाटर स्पंज होता है, स्पंजिला। ओके, दो एग्जाम्पल हैं चौथे ऑर्डर में, केलाइना और स्पंजिला। ओके, इस दोनों को लिखेंगे, दोनों कॉमन है। नाउ द थर्ड सब क्लास किराटोसा। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप ट्वेल्थ सब क्लास में एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे यू स्पॉन्जिया। एग्जाम्पल सिंगल एग्जाम्पल है आपका यू स्पॉन्जिया। एक सेकेंड, यहाँ पे सब क्लास लेटोसा में एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहाँ पे यू स्पंजिया। मैंने बताया था ना यू स्पंजिया। यू स्पंजिया आपका स्पेसिमेन भी होगा, ठीक है। आप देखिएगा प्रैक्टिकल क्लास को, यू स्पंजिया कैसा दिखता है ये। इसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो है ये आपका बाथिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। यू स्पंजिया कॉमनली नोन एज बाथ स्पंज।
यू स्पंजिया, ठीक है, ये आपका यू स्पंजिया, इसको अंडरलाइन करेंगे। आप सिंगल एग्जांपल लिखिएगा इसमें कि सब क्लास क्रेटोसा में यू स्पंजिया। आपने इसका स्पेसिफिक भी देखा है प्रैक्टिकल क्लास में, तो आप इसको कर लेंगे। तो एग्जाम्पल आप जो है सभी में क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे, एक या दो जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं वो कॉमन एग्जाम्पल है, उसको आप स्टडी करेंगे। ओके, नाउ द आपका जो है, नाउ दिस इज अ कंप्लीट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में थ्री आपके जो है क्लासेस हैं, एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली क्लास कैल्केरिया, क्लास हेक्साटेनिडा और क्लास डेमोस्पंजिया, ठीक है। तीनों जो क्लासेस हैं वो आपका कैटेगराइज है अकॉर्डिंग टू द स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल के बिहा पर हैं कि स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना है या सिल्का का बना है या फिर उसमें स्पंजिन फाइबर्स हैं। ओके, तो सबके ऑर्डर एग्जाम्पल मैंने बता दिया यहाँ पे। नाउ द ये देखिए, ये जो पहला वाला था इसमें देखिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, पर इसमें सारे एग्जाम्पल्स मैंशन किए गए हैं। ये आपका जो है सारा ऑर्डर है पोरीफेरा में थ्री क्लासेस जो आपने अभी देखा, थ्री क्लासेस, ठीक है। ये कैल्केरिया को हम बोलते हैं आपका जो है कैल्से स्पंजी भी बोलते हैं, कैल्केरिया क्लास, हेक्साटेनिडा और डेमोस्पंजिया, ठीक है। इसमें आपका जो है देख लीजिए, इसमें आपका ऑर्डर दिया हुआ है होमोसिला, होमोसिला दिया हुआ, होमोसिला में एग्जाम्पल दिया लिकोसोलिनिया और क्लैथरीना। इसको देखिए आप, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया है, हेट्रोसेला में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है साइकॉन जो आपको पढ़ना है, और होमोसिला में एग्जाम्पल दिया है लिकोसोलिनिया और क्लैथरीना, ठीक है। ये सारे क्या हैं, दोनों ऑर्डर हैं, ये क्या हैं, ऑर्डर हैं। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर्स हैं, ये दो, ये वाले और ये दोनों, ओके। दूसरा जो है हेक्साटेनिडा, यहाँ पे भी जो है इसमें भी दो ऑर्डर्स हैं। ये आपका ऑर्डर जो मैंने बताया मैंने आपको अभी, इसमें यू प्लैक्टिला एग्जाम्पल बताया और दूसरे ऑर्डर में एम्फीडिस्कोपोरा में हेलोनीमा बताया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा था डेमोस्पंजिया, इसमें बस ये चीज़ है यहाँ पे थ्री सब क्लासेस दी, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए मैंने इसको बोला कि आप नीचे वाला जो है बनाएंगे। इसमें देखिए बेसिकली थ्री सब क्लासेस है, टेट्राटेनिडा, मोनेक्सोनिडा और क्रेटोसा, ये तीन आपके क्या हैं, सब क्लास हैं, ठीक है, सब क्लास हैं ये, और इनमें जो है बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट सब क्लास लेकर के एग्जांपल लिख दिया है, ऑस्कैरा, हेलिकॉन्ड्रिया, यूस्पंजिया, ओके। मैंने एग्जांपल बताए हैं सारे आपको, तो आप इसमें जो है टेट्राटेनिडा में जो ऑर्डर हैं वो मेंशन करेंगे, मोनेक्सोनिडा में एग्जाम जो ऑर्डर है वो मेंशन करेंगे और तब एग्जांपल लिखेंगे, और क्रेटोसा में भी जो ऑर्डर है वो आप करेंगे। मतलब आपको ये मैंने दिखाया ज़रूर है इसको कि आप क्लियर समझ जाए कि किस में क्या एग्जांपल्स मेंशन है, बट आप बनाएंगे ये वाला, इसमें सारे ऑर्डर भी दिए हैं, ठीक है, सारे ऑर्डर दिए हैं और आप एग्जाम्पल आप इसको लिख लेंगे देख करके यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन फाइलम पोरीफेरा पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए ये फाइलम वाइज जो है आपका दिया हुआ है, मतलब क्लासिफिकेशन में जो क्लास वाइज जिन्हें कैटेगरी से क्या क्या क्लास में, क्लास कैल्केरिया, कैल्केरिया में आपका जो है देखिए कैल्केरियस स्पंज होते हैं, मतलब कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्पंज बना होता है, इसमें आपके स्मॉल साइज में होते हैं ये, और ये मेनली जो स्पिक्यूल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो येलो से हाइलाइटेड है वो मेंशन है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और ये क्या होते हैं, ऑल आर मेराइन, ठीक है, सारे मेराइन होते हैं, और बॉडी में जो कैनाल सिस्टम होता है कैसा होता है, वो तीनों टाइप का हो सकता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, लिकॉन टाइप, एग्जांपल में लिकोसोलिनिया और स्काइफा। स्काइफा को ही हम बोलते हैं साइकॉन, स्काइफा ही आपका कॉमन नेम है साइकॉन का, जो आपको थ्योरी क्लास थ्योरी में पढ़ना है, साइकॉन डिटेल में पढ़ना है ना साइकॉन, ओके। नाउ द क्लास, ये क्लास वाइज जेनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये हेक्साटेनिडा, ठीक है, इसमें आपका जो है क्या होता है, हेक्साटेनिडा में मैंने पहले बताया था कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सिलिशियस स्पिक्यूल होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, सिलिका का बना हुआ रहता है, जो स्पिक्यूल होता है वो सिलिका का बना हुआ होता है, ठीक है, जो है और एक्सक्लूसिवली मेराइन, और इसमें एग्जांपल क्या है, यू प्लैक्टिला बताया था मैंने अभी, वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं यू प्लैक्टिला, ओके। नाउ द क्लास थर्ड इज अ डेमोस्पंजिया, जिसमें कि आपका जो है इसमें क्या होता है, इसमें 90% जो स्पंजेस होते हैं इसमें वो आपके जो है
ज़्यादा स्पंजेस 90% आपके इसी में होते हैं, और इसमें जो है मेनली क्या होता है, स्पंजिन फाइबर्स होते हैं, स्पंजिन फाइबर्स होते हैं, और सिलिका का स्पिक्यूल भी होता है, दोनों होते हैं, या तो फिर स्पंजिन फाइबर के साथ जो है आपका केवल स्पंजिन फाइबर होते हैं, स्केलेटन का काम करते हैं। और इसमें जो है जो एनिमल्स होते हैं उनका जो कैनाल सिस्टम होता है कैसा होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है। कैसा होता है, इसमें बेसिकली ल्यूकॉन टाइप होता है। ओके, और इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है सिंगल आपका ऐसा स्पंज है जो कि क्या है, फ्रेश वाटर है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेश वाटर मीन्स रिवर में पाया जाता है, ये सी वाटर में नहीं। तो स्पॉन्जिला क्या है आपका, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, ये आपका रिवर में या लेक में पाया जाता है। तो ये आपका क्लास डेमोस्पंजिया का जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो तीन क्लासेस हैं, तीनों क्लास के ऑर्डर वाइज आप एग्जांपल लिखेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा में बेसिकली जो है क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी लास्ट में जो कंक्लूजन है कि फाइलम पोरीफेरा में आपका जो है पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। पोर बियरिंग मतलब न्यूमरस पोर्स होते हैं, जिसमें हम ओस्टिया बोलते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक है, मोस्टली मेराइन होते हैं, कुछ आपके जो है फ्रेश वाटर होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सेशाइल सेशाइल होते हैं, मतलब मीन्स परमानेंटली अटैच विद द सबस्ट्रैटम। ये सबस्ट्रैटम से अटैच रहते हैं, ये मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं करते हैं, जैसा कि आपके प्रोटोजोआ में हो रहा है या अदर एनिमल्स करते हैं, वैसे ये नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, सेशाइल होते हैं, मतलब परमानेंटली अटैच रहते हैं विद द एनी सबस्ट्रैटम। ओके, इसके बाद जो है साइज़ क्या होता है, 2 मीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक इनकी साइज़ होती है, 2 मीटर टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर छोटे से लेके अप टू 2 मीटर्स लॉन्ग तक होते हैं। और जो है सबसे बड़ी चीज़ है इनका जो शेप जनरली क्या होता है, ये आपके जो है ट्यूब लाइक होते हैं या सिलेंडर शेप में होते हैं, इलांगेटेड होते हैं। तो ये आपका फाइलम पोरीफेरा हो गया। आप प्रैक्टिकल फाइल में भी आप जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है उसी को बनाएंगे ऑर्डर वाइज, और एक एक एग्जांपल लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फाइलम पोरीफेरा का आप जो है जितने भी मैंने स्पेस में दिखाए हैं वो आप बनाएंगे, एक पेज पर 2 डायग्राम बनेगा सेम फाइलम का। ठीक है, और ये आपका जो है नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे साइकॉन। थैंक यू।